हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीदें बढ़िया ही होंगे और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसको देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर वन गाइस, क्या आपको पता ऑक्टोपस के जो एग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग एग्स में से एक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके एग्स होते हैं ना कुछ इस टाइप के दिखते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनके एग्स होते हैं ना फुली ट्रांसपेरेंट होते हैं और अंदर दिखता है कि हाँ एक ऑक्टोपस है, इसलिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर टू, जो ग्राफीन मटेरियल होता है ना, ग्राफीन नाम का एक मटेरियल होता है, जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे मार्वल स्टूडियोज वाली मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वही। वैसे रियल लाइफ की अगर बात करें ना तो ग्राफीन नाम का मटेरियल होता है और वो जो मटेरियल होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से एक है। क्यों? क्योंकि जब उसकी पतली सी शीट लो ना, मतलब पेपर जितनी पतली एक शीट ले लो ग्राफीन की, तो आपको उसको तोड़ने में, उसको फाड़ने में ना एकदम इतना वजन लगाना पड़ेगा, एक हाथी के बराबर एक आपको वजन लगाना पड़ेगा जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तब जाके वो कहीं टूटेगी या फटेगी आप कह सकते हो। फैक्ट नंबर थ्री, आपने IVF के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है IVF से बर्थ किया हुआ पहला बेबी कौन था? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, लुईस ब्राउन, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये जो थे ना सबसे पहले बेबी थे जिन्होंने IVF के थ्रू बर्थ लिया था। फैक्ट नंबर फोर, एक फैक्ट है ये कि जो पहले के घर होते थे वो जल्दी नहीं जलते थे, मतलब जो पहले के घर थे अगर उनमें आग लग जाए, उसको कोई बुझाने ना आए, तो उसको जलने में पूरे आग फैलने में ऑलमोस्ट 17 से 20 मिनट लग जाते थे। पर अगर आज के घर की बात करें, आज के घर के कंपैरिजन करें, तो आज के घर में अगर आग लग जाए तो वो पूरे घर में कम से कम 3 से 4 मिनट में पूरी आग फैल जाएगी। तो और इसका रीज़न भी यही है कि आज के ज़माने में प्लास्टिक वगैरह का यूज़ ज़्यादा होता है जो कि आग जल्दी पकड़ लेते हैं, जिससे आग जल्दी फैल जाती है। फैक्ट नंबर फाइव, जोको विडोडो, ये जो एक ना इंडोनेशियन प्रेजिडेंट हैं, और इनके बारे में एक अमेजिंग चीज़ ये है कि एक बार इनसे पूछा गया था कि इनके फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो इन्होंने आंसर एक ऐसा दिया था जिसको आप जानकर दंग रह जाएंगे। इन्होंने आंसर दिया था कि इनके फेवरेट सुपर हीरो हैं लॉर्ड कृष्णा। और क्यों? क्योंकि इनके पास ना एक वेपन हुआ करता था सुदर्शन चक्र नाम का, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन था, और वो लॉर्ड कृष्णा भी बहुत ज़्यादा वाइज थे, इन्होंने ये सब बताया, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, मतलब हम इंडियंस के लिए अच्छी बात है कि बाकी ये बाहर के, इंडिया के बाहर के प्रेसिडेंट और जो वहाँ की पब्लिक है वो हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम इंडियंस के लिए गर्व की बात है। कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर कमेंट में ज़रूर बताना।